नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूल्स इन ह्यूमन, मॉड्यूल्स इन ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम्स। मॉड्यूल्स इन ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले पेरोल मॉड्यूल। नाउ जब तुम ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो एक पार्ट नहीं होगा, मल्टीपल पार्ट होगा। तुमको टाइम का देखना पड़ेगा आने जाने का, ट्रेनिंग का देखना पड़ेगा, ठीक है ना, टैलेंट का देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का देखना पड़ेगा, बेनिफिट्स का देखना पड़ेगा, पेरोल का देखना पड़ेगा। सो पेरोल का मॉड्यूल क्या काम करता है कि एम्प्लॉय का आने का जाने का टाइम, उसमें टाइम एंड अटेंडेंस आ जाएगा, उसके जो टैक्सेस कटेंगे, प्रोविडेंट फंड ले लो, ठीक है ना, पीएफ कटेगा, ग्रेच्युटी कटेगा, पेंशन का कुछ तो कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है ना, टैक्स रिपोर्ट जनरेट होगा, उसके कोई दूसरे इनकम में वो उससे मांगा जाएगा। सो बेसिकली पेरोल मॉड्यूल जो पगार दिया जाता है और उसमें जो कटिंग्स है कंपनी के और गवर्नमेंट के, वो इस मॉड्यूल में आ जाएगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है ना। दूसरा टाइम एंड अटेंडेंस मॉड्यूल, टाइम एंड अटेंडेंस मॉड्यूल, पहले तो क्लॉक कार्ड होता था, एम्प्लॉय जाता था, कार्ड मशीन के अंदर डालता था, उसमें टाइम पंच हो जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे आगे आ गया है, अभी तो उसको एक जैसे विजिटिंग कार्ड टाइप कार्ड दिया जाता है, उसने मशीन के सामने दिखाया तो ऑटोमेटिक वो उसका रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसमें टाइम एंड अटेंडेंस मॉड्यूल में जैसे उसका काम का टाइम, उसका एफर्ट्स, उसका क्या आउटपुट आया, उसका लेबर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज, डेटा एनालिटिक्स, कंपनी को कितना खर्चा है, ये टाइम और अटेंडेंस मॉड्यूल का काम है, ठीक है ना। फिर तीसरा बेनिफिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, बेनिफिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय के बेनिफिट प्रोग्राम है, जैसे कि उसको इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ग्रेच्युटी है, पेंशन है, ये सब के बारे में कहा जाता है। नाउ ये सब को लॉ के साथ भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, बोनस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड का अपना अलग एक्ट है। तो ये सब के साथ इंटीग्रेट करके ये मॉड्यूल जोड़ा जाता है, मतलब स्टैचुटरी और कंपनी का खुद का। उसके बाद चौथा एचआर मैनेजमेंट मॉड्यूल है, जहां पे जो मैनेजमेंट मॉड्यूल में सिंपल सा है, तुम रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, स्किल, कॉम्पनसेशन, प्लानिंग, रिकॉर्ड्स। सो ये बेसिकली जो एम्प्लॉय है उसका अपॉइंटमेंट से लेकर जाने तक का जो प्रोग्रेस है, सिलेक्शन या ट्रेनिंग या डेवलपमेंट जो है, इसमें पगार नहीं आएगा, वो अलग मॉड्यूल में आएगा। इस मॉड्यूल में बेसिकली एम्प्लॉय का सिलेक्शन, ट्रेनिंग और उसका डेवलपमेंट का डिटेल्स आएगा, उसका स्किल्स क्या है, उसको कॉम्पनसेशन स्किल के हिसाब से दिया जा रहा है कि नहीं, ये देखा जाएगा। फिफ्थ मॉड्यूल टैलेंट की बात करता है, टैलेंट सिस्टम्स। टैलेंट सिस्टम में जो लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उनको इस मॉड्यूल में डाला जाता है, मतलब कि उनमें से कौन पोटेंशियल एप्लीकेंट से जिनको जॉब दिया जा सकता है, जो जैसे 100 100 लोग के बायोडाटा है, उसमें से पोटेंशियल 10 20 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, कहाँ कहाँ से naukri.com या कंपनी प्लेसमेंट कंपनी में जाकर सिलेक्ट किया जाए स्टूडेंट्स को, जिसको कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं, या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया जाए, ये सब मतलब टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। मतलब तुमको अपॉइंटमेंट करने से पहले कौन लोग चाहिए, कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से तुम ढूंढोगे, तुम्हारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का जो, या जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उसके बारे में है, वो सब का डिटेल इसमें आ जाएगा, ठीक है। और
छठवा ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल बेसिकली जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे कि इफ एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप रहेगा उसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अलग होगा, मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर सेल्स मैनेजर ट्रेनिंग अलग होगा, ब्रांच मैनेजर ट्रेनिंग अलग होगा, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग अलग होगा, सीईओ का ट्रेनिंग अलग होगा। फिर उसमें भी ट्रेनिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोई सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ठीक है, कोई लीडरशिप स्किल्स के ट्रेनिंग होते हैं, कुछ कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के होते हैं। ट्रेनिंग के कई सारे प्रकार है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सा है और किस प्रकार का। हॉस्पिटल लेगा तो टेक्निकल ट्रेनिंग में ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग ट्रेनिंग, जैसे प्रोडक्ट रहा तो मार्केटिंग या मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, नेगोशिएशन जिसको बोलते हैं। और जो सेवेंथ पॉइंट है दैट इज एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल, इसमें जो कोई क्वेरी रहेगा एम्प्लॉय को एचआर के रिलेटेड या अटेंडेंस के रिलेटेड, सो बेसिकली एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में कोई एम्प्लॉय के कमेंट्स या कंप्लेंट्स रहेंगे वो इस मॉड्यूल के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। पहले छह तो कंपनी के तरफ से है, लेकिन ये सातवें मॉड्यूल में एम्प्लॉय ने कोई टिकट रेस किया, मतलब कोई प्रॉब्लम उसको आ रहा है, उसके बारे में ये मॉड्यूल में डिस्कस किया जाता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे ये अलग अलग मॉड्यूल्स है HRIS सिस्टम्स के।